दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे असम T20 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा इंडिया क्लब वर्सेस सिटी क्रिकेट क्लब के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में सबसे पहले एच तामुली का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जो कि आपको नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 13 रन इन्होंने करे दोस्तों, उससे पहले 30 रन इन्होंने करे थे, फिर 7 रन करे, 4 रन करे, 7 रन करे, तो ये इनकी रीसेंट की परफॉर्मेंस रही है, आप देख सकते हो। वहीं दोस्तों एम गोगई आपको नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। रीसेंट के अगर मैं यहाँ से मैचेस के बारे में बात करूँ तो लास्ट मैच में 11 रन पे आउट हो गए थे, उससे पहले 3 रन इन्होंने करे, फिर 47 रन इन्होंने करे, 2 रन पे आउट हो गए उससे पहले और 17 रन करे, ये इनके रीसेंट के 5 मैचेस का स्कोर रहा है। अगर आप तामुली से कंपेयर करते हो तो गोगई का जो है परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर रहा है दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पी कुमार का आपके पास होने वाला है, बट अगर इनके हम बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पी कुमार किस नंबर पे बैटिंग करते हुए आपको नजर आने वाले, तो बैटिंग ऑर्डर रहेगा काफ़ी नीचे, नंबर 7-8 पे, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। मैं फ़िलहाल गोगोई को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, आप चाहो तो तामुली को भी अपनी टीम में। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे बैटिंग में, तो सबसे पहले रहमान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जो कि नंबर 5-6 पे बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। अगर रीसेंट के 4 मैचेस का स्कोर देखोगे ना तो 60+ रन इन्होंने करे हैं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी राहुल आपको इस मैच में ओपन करते हुए नज़र आएंगे, लास्ट में एक रन पे आउट हो गए। रीसेंट के अगर 4 मैचेस के बारे में बात करें ना दोस्तों, इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो 25+ रन इन्होंने करे, तो परफॉर्मेंस देखोगे तो इनका भी इतना कुछ खास नहीं रहा, स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। बाकी यहाँ से मुशारफ ज़रूर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते, क्यों, क्योंकि ये बंदा आपको ओपन करते हुए नज़र आएगा, लास्ट रन में 47 रन इन्होंने करे थे और उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे, प्लस ये बॉलिंग करवाते, लास्ट रन में 47 रन के साथ साथ ही 2 विकेट भी निकाले, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। बाकी इस मैच में रोहन का भी ऑप्शन होने वाला है। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, किस टाइप का रहा है, तो रीसेंट के 5 मैचेस में तकरीबन इन्होंने जो है 45+ रन इन्होंने करे। मुझे लगता है अगर आपको ट्राई करना है ना तो इस प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ए देव का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें, ए देव नंबर 4 पे बैटिंग करते, लास्ट रन में 20 रन इन्होंने करे, उससे पहले दोस्तों 28 रन इन्होंने करे, फिर 8 रन इन्होंने करे, 28 अगेन करे और 28 अगेन करे। दोस्तों लास्ट 5 मैचेस देखोगे तो 3 मैचेस में तो 28 रन की पारी खेली है। मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, ये एक ऐसे प्लेयर है जिनका स्ट्राइक रेट कम रहता है लेकिन आपको रन करके दे देते हैं दोस्तों, तो 15-20 पॉइंट आपको इजिली 20-25 पॉइंट तो दे देंगे, इसलिए मैं सेफर साइड इनको लेके चल रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आर शर्मा के बारे में हम बात करते तो यार बैटिंग ऑर्डर जो रहेगा ना आर शर्मा का, वो आपको यार नीचे ही देखने को मिलने वाला है। बाकी परफॉर्मेंस अगर देखते हो रीसेंट के बारे में,
तो इन्होंने 13 रन इन्होंने करे, लास्ट मैच में तो बैटिंग नहीं आई थी उससे पहले अगेन फिर 13 रन करे, 23 रन करे। कभी कभी बॉलिंग करवा लेते आप ट्राई कर सकते हो अगर पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो। बाकी आज जोमल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, मैं इनको ज़्यादा जो है सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, थोड़े से रिस्की प्लेयर बन सकते हैं। बाकी इनके अलावा देखोगे तो यहाँ पे आर दास का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जो कि नंबर 5 बैटिंग करते, लास्ट रन में 19 रन की एक अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली थी दोस्तों, बट उससे पहले का जो है रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं रहा। अभी मैं सिर्फ 2 बैट्समैन को लेके चल रहा हूँ। ऑलराउंडर में आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन नज़र आ सकते हैं, डी राबा का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों इनका, लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, वैसे रीसेंट के 5 मैचेस में 8 विकेट इस प्लेयर ने निकाले, प्लस बैटिंग भी कर लेते, साथ ही साथ में 70 प्लस रन इन्होंने करे, आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। एस पूरा के बारे में बात करें दोस्तों, ओपन करते हुए नजर आएंगे स्वरूपम, लास्ट मैच में 14 रन इन्होंने करे, वहीं उससे पहले 54 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, 67 रन इन्होंने करे, 7 रन करे, 18 रन करे, 38 रन इन्होंने करे। भाई बैटिंग से देखोगे तो ये बंदा गजब की फॉर्म में चल रहा है, और लास्ट मैच को छोड़ो तो उससे पहले 4 मैचेस में इस बंदे ने 5 विकेट भी निकाले थे दोस्तों, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हो। लास्ट मैच में भी 1 विकेट इन्होंने निकाला था, तो ये तो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके अलावा आपके पास टी सिंह का ऑप्शन होने वाला है। अगर हम बात करें तजिंदर सिंह, लास्ट रन में 2 विकेट निकाले शानदार, और रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अभी तक हम बात करें तो 4 विकेट इन्होंने निकाले, प्लस अगर इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में भी हम बात करें तो ये नंबर 5 पे बैटिंग भी कर लेते तो वो आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए नज़र आ जाएंगे। एम हजारिका के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे ही नज़र आने वाला है, थोड़े से रिस्की प्लेयर होने वाले, इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकते हो। रीसेंट के 4 मैचेस में बॉलिंग से भी कुछ खास नहीं रहा, सिर्फ 1 ही विकेट निकाल पाए हैं दोस्तों। सिंह राणा के बारे में हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहा है, इनके ओवर वगैरह कट सकते हैं। बाकी आर धोबी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ओवर इनके भी कट सकते, इतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस भी नहीं रहा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं अभी तो ड्रॉप कर रहा हूँ। 3 ऑलराउंडर के साथ चल रहा हूँ। बाकी बॉलिंग में अगर आप देखोगे, डी जौहरी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ओपन डेथ में बॉलिंग करवाते, लास्ट मैच में विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर हम बात करें 9 विकेट इस प्लेयर ने निकाले, तो सेफर साइड और इम्पोर्टेंट साइड आपके लिए हो जाते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इनके अलावा यहाँ पे एस बर्मन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। लास्ट रन में 2 विकेट निकाले थे दोस्तों, और रीसेंट के अगर 5 या 6 मैचेस के बारे में हम बात करें तो रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तकरीबन 9 विकेट के समथिंग इन्होंने भी निकाले 6 मैचेस में रीसेंट के, तो इसलिए मैं इनको भी लेके चल रहा हूँ। बाकी यहाँ से बसफोर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जिनको आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन उससे पहले 4 मैचेस में 5 विकेट निकाले थे, स्पिन बॉलिंग करवाएंगे तो इस पिच पे विकेट निकाल के दे सकते हैं। बाकी पी रे का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ये थोड़े से रिस्की प्लेयर हो जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं इनको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वी पांडे को इस मैच में रखिए, क्योंकि ये नंबर 3 पे बैटिंग करते, लास्ट रन में 15 रन करे, प्लस 1 विकेट निकाले, और रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने भी निकाले, ये बैटिंग बॉलिंग करके दे देंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे ए यादव का आपके पास ऑप्शन होने वाला है अमित, इनके ओवर कट सकते हैं, इसलिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। वहीं सिन्हा के बारे में बात करें, आप इनको ट्राई कर सकते हो। लास्ट रन में 3 विकेट इस प्लेयर ने निकाले थे दोस्तों, और उससे पहले भी कुछ मैचेस में अच्छा करके आए, तो मैं इनको लेके चल रहा हूँ। 5 हमारे बॉलर रहेंगे। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन, मुशारफ मेरे कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन यहाँ से स्वरूपम रहेंगे। आप चाहो तो इनके अलावा टी सिंह एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, और ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे हो तो वी पांडे को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप इसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक टेलीग्राम का इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो दोस्तों तो इस वीडियो को करिए लाइक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, एक वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आप सपोर्ट करोगे मेरे भाई तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं करोगे तो यार यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा।